नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी, नागपूर संत्र उत्पादक भाग म्हणून ओळखला जातो, परंतु देशात फूट पाडणारे लोक देखील नागपुरातलीच आहेत हे खेदाने नमूद करावे लागते. देण्याच्या एकात्मतेत आणि अखंडित फूट पाडणाऱ्या शक्तींना आता त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली, असा संकनात दिल्ली विधानसभेचे उपसभापती तथा आम आदमी पार्टीच्या नेत्या राखी बिडलानी यांनी केला. नागपुरातील बेझनबाग मैदानावर आयोजित भव्य साहिर सभेत त्या बोलत होत्या. श्याम नवनिर्वाचित सहप्रभारी गोपाल इटालिया जी समेत मेरे समक्ष बैठे हुए सम्मान के योग्य आवे तमाम एक एक बहन को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक युवा साथी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार. यूं तो मैं कई बार पार्टी के काम से संगठन निर्माण के लिए नागपुर मेरा आना हुआ और नागपुर के दूर दराज गांवों में, विदर्भ जिले के दूर दूर कस्बों में जाकर लोगों से संवाद करने का भी मौका मिला. लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व भी है कि महज चंद महीनों की मेहनत में नवनिर्वाचित सह प्रभारी गोपाल इटालिया जी की मेहनत आप लोगों के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है. और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ पूरे के पूरे संगठन को कि आपने संतरे की नगरी नागपुर जो मशहूर है अपने संतरों के साथ साथ देश के अंदर फूट डालने वाले लोगों के लिए भी, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर आवाज बुलंद करने का जो जज्बा आप लोगों ने दिखाया है और उनके हेडक्वार्टर तक ये बात जरूर पहुंचेगी कि तुम देश को तोड़ने का काम करते रहो और झाड़ू के रूप में आम आदमी पार्टी देश को जोड़ने का काम करती रहेगी. और आप लोगों की भारी संख्या इस बात का भी प्रमाण देती है कि राजनीति के अंदर बदलाव कोई पार्टी या नेता नहीं लाते, राजनीति के अंदर बदलाव सच्ची ईमानदारी और मेहनत रखने वाले जो सामने आम जनता है वो लोग लेकर आते हैं. मेरा यहाँ भाषण देना, तमाम पदाधिकारियों का भाषण देना वास्तव में तब फलीभूत होगा जब आज की बातचीत के बाद आप जाके लोगों के अंदर जन जागरण जगाएंगे और देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंची जाति नीची जाति में के अंदर बांटने वाले लोगों को बिल्कुल हाशिए पर लाकर उनको उनके घर भेजने का काम करेंगे, राजनीति से बेदखल करने का काम करेंगे. ऐसे लोग जिन्होंने आजादी के 75 सालों के बाद भी हम लोगों को बेरोजगार करके रखा है, ऐसे लोग जिन्होंने आजादी के 75 सालों बाद भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को बिल्कुल बेकार और जाति धर्म के मुद्दों को पहले प्रथम श्रेणी में लाकर रखा है, ऐसे लोग जिन्होंने आजादी के 75 साल के बाद भी माँ बाप को शाम ढलने के बाद ये मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि अगर मेरी बेटी शाम ढलने के बाद बाहर जाएगी तो सुरक्षित वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी, ऐसे लोग 75 साल के बाद भी जो गरीब लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के कल्याण हेतु बगल में एक डिस्पेंसरी नहीं खोल सकते, ऐसे लोग जो गरीब मजदूरों को बेहतर यातायात की सेवाएं नहीं दे सकते और ऐसे लोग जो देश के अंदर भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाए हुए हैं, आज आप इस पार्टी के नेता से परेशान होकर इस पार्टी दूसरी पार्टी के नेता को चुनते हैं और साल 6 महीने बाद ये सारे के सारे लोग एक ही मंच पर पाए जाते हैं, ऐसे तमाम लोगों को हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, ऐसी राजनीति को हमें बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना है जो पैसे लेकर टिकट देती है, लोगों को वरकलाकर वोट मांगती है और जीतने के बाद सरकार बनाने के बाद अपना अपने रिश्तेदारों का और अपने कार्यकर्ताओं का घर भरने का काम करती है. हमें आज 75 साल आजादी के हो गए हैं, आज हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के वोट का सम्मान करते हुए उसकी घर की आर्थिक दशा को सुधारने का काम करे, आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ मतदाता है उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा देने का काम करे. आज हमें ऐसी सरकार की जरूरत है कि अगर उसका कोई विधायक हो, कोई नगर पार्षद चुना हो, कोई सांसद चुना हो, जब वो आपके बीच में आए
तो आपको असहज महसूस ना हो, आपको ऐसा लगे कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति चुनकर आया है, हमारे ही घर परिवार का कोई बेटा बेटी यहाँ पर चुनकर आया है। हमें ऐसे लोगों को कतई नहीं चुनना जो देश के अंदर दंगे कराते हैं और लोगों की लाशों के ऊपर अपनी सत्ता की कुर्सी को जमाते हैं। हमें ऐसे लोगों को कतई नहीं चुनना है जो परिवारवाद की राजनीति। धन्यवाद मनीष जी। यानंतर मी विनंती करतो कि संघटन मंत्री माननीय श्री भूषणजी ढाकुळकर आपले मनोगत या ठिकाणी मांडतील। धन्यवाद मयूर। शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात मी आमची बहीण राखीताई यांचा वेलकम करतो। मला फक्त एकच बोलायचं आहे, ह्या नागपुराला संघभूमी म्हणतात। बरेच पत्रकार आहे ते या नागपुराला संघभूमी म्हणून संबोधित करतात। मला त्यांना हेच उत्तर द्यायचं आहे, तुमच्याकडे जर संघभूमी असेल तर आमच्याकडे दीक्षाभूमी आहे, तुमच्याकडे जर मनुस्मृती असेल तर आमच्याकडे बाबासाहेबांनी दिलेला संविधान आहे, तुमच्याकडे जर वर्ण व्यवस्था असेल तर आमच्याकडे समानतेचा अधिकार आहे, आणि तुमच्याकडे जर सावरकर असेल तर आमच्याकडे विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। धन्यवाद भूषणजी। यानंतर या ठिकाणी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते श्याम डेस्कर, जुमान न्यूज, नागपूर।